हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। वुडन हाउस होल्ड आइटम सभी को पसंद आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक MDF ट्रे सेट का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रे पर डेको पास के लिए मैंने एक मधुबनी इमेज सिलेक्ट की और उसकी 6 फोटोकॉपी निकलवाई हैं। मैं यहाँ पर सीट को स्टिक करने के लिए इट्सी बिट्सी की डेको पास ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप यहां पर कोई भी सिंपली ग्लू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉपर डेकोपास का वर्क नहीं हो रहा है। ट्रे में इसे स्टिक करते हुए इस बात की कोशिश रखें कि सीट के नीचे कोई भी एयर बबल्स ना बन पाए। ये छोटे छोटे मिस्टेक ही आर्ट वर्क में डिससेटिस्फेक्शन लेके आती हैं। सेम चीज़ें हम यहाँ पर कोस्टर के साथ रिपीट करेंगे। एक्स्ट्रा सीट को यहाँ पर केयरफुली कट कर लेंगे। डेकोपाज वर्क खत्म होने के बाद इसकी बैक साइड और बाकी के हिस्सों पर एक्रिलिक कलर से हम पेंट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रश के साथ पेंट कर रहे हैं तो फिनिशिंग के साथ एक ही वे में करते जाएं, ताकि ब्रश के स्ट्रोक अलग थलग दिखाई ना दें। आप ब्रश की बजाय यहाँ स्पंज से भी टैप टैप करके इसे पेंट कर सकते हैं। पेंटिंग का काम खत्म करने के बाद हम यहाँ रेजिन वर्क पर आते हैं। ये यहाँ पर ग्रेन टोन का आर्ट रेजिन प्रो है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। इसमें 1 बॉटल रेजिन है, 1 बॉटल हार्डनर है। इसका मिक्सिंग रेशो 2:1 रहेगा। मेन एक पार्ट हम हार्डनर का लेंगे और 2 पार्ट रेजिन का। मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एयर बबल्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। फिर एक एक करके अपने सभी आइटम्स पर इसकी लेयर फैला देंगे। इसके सभी यूजेस और सेफ्टी रूल्स बॉटल के डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए हैं। आप यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छे से रीड कर लें। धीरे धीरे पूरे एरिया पर इसे अच्छे से फैला दें। अब पूरा 1 दिन के लिए आप इसे ड्राई होने को छोड़ दें। मैं यहाँ ट्रे पर एक्रिलिक का कॉपर कलर यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर गोल्डन या कोई दूसरा हाइलाइटर ले सकते हैं। सेम थिंग हम यहाँ पर कोस्टर के साथ भी दोहराएंगे। मैं यहाँ पर आपको फिर से कहना चाहूँगी कि बोतल के डिस्क्रिप्शन पर लिखे सभी रूल्स को अच्छे से सीरियसली फॉलो करें, ताकि आपका रेजिन वर्क परफेक्टली तैयार हो। कोस्टर होल्डर को यहाँ पर मैंने सिंपली पेंटेड रखा है, ताकि हमारा मेन वर्क हाईलाइट हो सके। ये ट्रे ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने में लेजीनेस बिल्कुल भी ना बरतें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।